सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ऑल न्यू रेसिपी को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक जंगल था, जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। सभा में चिड़िया, जानवर, हाथी, घोड़ा, चीता, लोमड़ी, बतख, मेंढक सब आए। शेर एक पत्थर पर बैठ गया और कहने लगा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और हर राजा का एक मंत्री होता है, इसलिए मैंने आज तुम सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है कि मैं तुम सब में से किसी एक को अपना मंत्री चुन लूँगा जो मेरे पास मेरी गद्दी पर बैठेगा और इस जंगल की राज्य को चलाएगा। यह सुनकर सबसे पहले हाथी ने कहा, मैं बड़ा और मजबूत हूँ, मैं तुम्हारे लिए फल और पत्तियाँ तोड़कर ला सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे राज्य को संभाल सकता हूँ, तुम मुझे अपना मंत्री बना लो। शेर ने कहा, ठीक है आगे बोलो। चीते ने कहा, मैं सबसे मजबूत हूँ, मैं तुम्हारे लिए जानवरों को मारकर ताज़ा ताज़ा मांस ला सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे मंत्री बनने के लायक हूँ। बाज ने कहा कि जंगल की राजा, मैं तो बहुत बड़ा पक्षी हूँ, मैं आसमान में उड़ सकता हूँ और तुम्हारे जंगल की राज्य को आसानी से ही अच्छी तरह से देख सकता हूँ, मैं तुम्हारे मंत्री बनने के लायक हूँ। शेर सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद में बतख ने कहा, मैं छोटी सी पक्षी हूँ, मैं उड़ सकती हूँ और पानी में तैर भी सकती हूँ, मैं उनसे तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मछली ला सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मंत्री बनने के लायक हूँ। उसके बाद में मेंढक उछला और बोला, जंगल के राजा, मैं धरती और पानी दोनों में रह सकता हूँ और मैं तुम्हारे राज्य को अच्छी तरह संभाल सकता हूँ, तुम मुझे अपना मंत्री बना लो। इतने में ही लोमड़ी ने कहा, जंगल की राजा, ना तो मैं बड़ी हूँ ना ही मजबूत हूँ, पर मैं चालाक हूँ, ना तो मैं उड़ सकती हूँ ना तो मैं तैर सकती हूँ, पर मैं अपनी चालाकी से तुम्हारे लिए जानवरों को मार मार कर ला सकती हूँ और एक मंत्री को चालाक होना चाहिए, इसलिए तुम मुझे अपना मंत्री बना लो। शेर ने सबकी बातों को सुना और कहा कि तुम सब अपने आप में बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं यह डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसे अपना मंत्री बनाऊँ, इसलिए अच्छा है कि मैं अकेला ही रहूँ, मैं ऐसा ही राजा ठीक हूँ जो बिना मंत्री के ही रह सकता हूँ, क्योंकि तुम सब तो आपस में इतने होशियार हो तो फिर मुझे मंत्री की क्या ज़रूरत। अगर तुम सब अपना काम सही से करो तो मैं जंगल का राजा आराम से रह सकता हूँ। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।